गुड मॉर्निंग पापा। रात भर कहाँ था? सतीश के घर था पापा, पढ़ने के लिए, कंबाइंड स्टडीज। ओह, तो फोन कर। कर। रात को मेरा बेटा कहाँ था? मेरे घर पे था अंकल, साथ में पढ़ रहे थे कंबाइंड स्टडीज। इतने सालों बाद भी बेटे पे भरोसा नहीं? ईश्वर को जरा फोन कर। क्या कहा पापा? आपने बिल्कुल सही सुना है, फोन करो। क्यों बे संजू, अभी तक उतरी नहीं क्या? रात को मेरा बेटा कहाँ था रे? मेरे घर पे पढ़ रहा था अंकल, कंबाइंड स्टडीज। दरअसल पापा वो, अब प्रसाद को फोन करो। पापा करना। क्या हुआ? रात को मेरा बेटा कहाँ था? रात में घर पे ही था अंकल, कंबाइंड स्टडीज, साथ में पढ़ रहे थे। क्यों रे, एक ही रात में कितने लोगों के घर पढ़ सकता है ये? एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। क्यों, हमारे घर की छत नहीं है या फ्रिज में बियर नहीं होती? कितनी बार तुम लोगों को प्यार से समझाया कि बियर पीने का प्रोग्राम यही रखा करो, समझ में नहीं आता या मार खा के ही समझोगे तुम लोग? पापा फ्रिज में सच में बियर है क्या? तेरी। क्यों सतीश, सुना है हैदराबाद में नौकरी लग गई है, कब जा रहा है? दो दिन बाद जा रहा हूँ आंटी। हाँ, तू हैदराबाद कब आएगा? ऐसी चीजों के लिए हम नहीं आते जाते, मार पीट करनी है तो बता दे, अलार्म लगा कर आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई या नौकरी के लिए कहीं और जाने की बात कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? जैसे शादी के बाद सुहागरात एक रूल है, वैसे इंजीनियरिंग के बाद सबका हैदराबाद जाना कोई रूल है क्या? मान लो हैदराबाद चले गए, सुबह उठकर ऑफिस चले गए, शाम को वापस घर आ गए, दोबारा ऑफिस चले गए, दोबारा वापस घर आ गए, और ऐसा कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? दो पैसे कमाने के लिए मैं अपनों को छोड़ के आ गया, इसीलिए ना माँ को ना पापा को और ना इस गांव को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे ऐसे और कितने दिन खाली बैठा रहेगा, तू एक बार हाँ तो बोल, किसी से बात करके मैं तुझे हैदराबाद में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। बस कीजिए मामा जी, माँ पापा को देखो, हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो हंस रहे हैं या फिर वो खुश हैं? बेटा ऊपर से हंसने का नाटक कर रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी है वो। कस के पकड़ना। अरे नहीं मामा जी, आप सबको छोड़कर मैं। ट्राई तो कर। मैं ही नहीं, ये दोनों भी मेरे बिना नहीं रह सकते, एक बार दोस्त के घर रुक गया था तो भी घबरा गए, ऐसे में हैदराबाद जाऊंगा तो वो भी ट्राई करेंगे। तू एक काम कर, उनके पास जा और ऐसा बोल कि तू नौकरी के लिए हैदराबाद जा रहा है, ये झूठ तो बोल के देख एक बार, उनके दिल में क्या है पता चल जाएगा, उसके बाद तू खुद फैसला कर। पापा मामा कह रहे हैं हैदराबाद में वो जॉब दिलवा देंगे, सोचता हूँ चला जाऊं। सच में? अच्छा। वो रमेश है ना, उसका बेटा पूना में जॉब कर रहा है, इसलिए तेवर दिखा रहा है। दिखाई देने दो, बताता हूँ उसे, कहता है तुम्हारे बेटा घर पर ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अब बोलने दो, किसी को दिखाता हूँ। लेकिन हैदराबाद में तुम रहोगे कहाँ पर? वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उनके घर में रह लेगा। नहीं नहीं, मैं उनके घर में नहीं रहूंगा बेटा। अरे ऐसे कैसे, मेरी बात तो सुन। वो इतने अच्छे है ना कि अभी जाने के लिए तो दुखी हो रहा है ना, चार दिन उनके घर रहेगा ना तो वापस आने के नाम से दुखी होगा। छोड़ो ना, प्लीज 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 प्लीज, ओके जाएगा ना मेरा बेटा।